मुनी, तो आज है 27 फरवरी। तो आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था? गुजरात के अंदर आज के दिन इतिहास में गोधरा कांड हुआ था 2002 के अंदर। कब हुआ था? 2002 के अंदर। और उस समय जो वहां के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? आज के हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड में जो अमित शाह है, जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, अभी गृह मंत्री है, और जो नरेंद्र मोदी है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनको क्लीन चिट दे दिया है। इसका मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने का मतलब यह है कि इनका हाथ गोधरा कांड के अंदर नहीं था। तो आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था? तो आज के दिन इतिहास में 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक दुखद घटना हुई थी। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 डब्बे में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। इस ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे कार सेवक सवार थे। कौन थे? कार सेवक सवार थे, जो कि कहां से लौट रहे थे? अयोध्या से लौट रहे थे। उसके अलावा आप देख सकते हैं, ये देखो फिर क्या क्या भड़क गए, दंगे भड़क गए। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए। कितने? 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 790 मुसलमान थे और 254 हिंदू थे। गोधरा कांड के एक दिन बाद 28 फरवरी को अहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में बेकाबू भीड़ ने 69 लोगों की हत्या कर दी थी। कितने लोगों की? 69 लोगों की हत्या कर दी थी एक दिन बाद, जब ये गोधरा कांड होता है उसके एक दिन बाद, यानी कि 28 फरवरी को, जो कि कल है। ठीक है, तो काफी दुखद घटना थी ये। और नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के जीवन, जो वहां के मुख्यमंत्री थे उस समय 2002 में, तो उनके जीवन काल के अंदर ये सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये आपको घर दिख रहा होगा, ये आपको घर दिख रहा होगा, तो ये एमएलए का घर था। मरने वालों में इसी सोसाइटी में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। कौन? एहसान जाफरी। इन दंगों से राज्य के हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि स्थिति काबू करने के लिए तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी थी। तो हम सेना को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उनके बिना देश में शांति और बॉर्डर, जो क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ होती है, उनको रोकना नामुमकिन होता है, और देश की सुरक्षा में उनका अहम योगदान होता है। तो प्रत्येक सैनिक को हम सैल्यूट करते हैं, और इंडियन आर्मी और नेवी और जो एयरफोर्स है, ठीक है, वायुसेना है, उन सभी को और उन सभी में काम करने वाले सैनिकों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। तो ये था कोदरा कांड। आई होप आपको ये जो फैक्ट है अच्छा लगा होगा। ठीक है, वैसे तो एग्जाम के अंदर तो कुछ पूछा जाने वाला है नहीं इसमें से, लेकिन आपको एक फैक्ट के तौर पर याद रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।